दमोह जिला मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा पहुंच करके जागरूकता अभियान चलाया गया तथा साइबर अपराधों से बचने के लिए पूरी जानकारी से अवगत भी कराया गया। मालूम हो कि लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी ग्राहकों को जानकारी देकर साइबर क्राइम से बचने की पूरी जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर और स्टाफ के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके कुछ कस्टमर्स भी उपस्थित थे। उनको साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारी देने के लिए हमें बुलाया गया था। इसके संबंध में हमारे द्वारा साइबर फ्रॉड किस तरीके से होता है, साइबर फ्रॉड क्या है, इस संबंध में जानकारी दी। निश्चित रूप से जो कस्टमर है उनको इस जानकारी का फायदा होगा। दमोह शाखा में साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह और दिन मनाया गया, जिसमें सभी कस्टमर को आमंत्रित किया गया। हमारे टाउन इंस्पेक्टर श्री विजय सिंह सर आए थे, उन्होंने साइबर क्राइम के संबंध में काफ़ी बातें बताई हैं, कस्टमर को ज्ञान दिया है कैसे साइबर फ्रॉड से बचें, कैसे पुलिस के पास अप्रोच करें, कितने दिन में उनका समस्या का निराकरण होता है, ये सारी चीज़ें माननीय टाउन इंस्पेक्टर साहब ने बताया है। इस संगोष्ठी में काफ़ी जानकारियां मिली है कस्टमर को, बैंक वालों को भी, और हम सभी इस तरह की संगोष्ठियां भविष्य में भी करते रहेंगे, गांव-गांव में करते रहेंगे, आगे भी जहां भी ज़रूरत होगा जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं प्रशांत कुमार मिश्रा, शाखा प्रबंधक दमोह बैंक ऑफ महाराष्ट्र।